केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के छत्तीसगढ़ प्रवास के बाद प्रदेश की राजनीति उफान पर है। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री पुरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पेट्रोल डीजल पर सेस हटाए जाने वाले बयान पर निशाना साधा था, लेकिन अब मंत्री चौबे ने कमान अपने हाथों में ले ली है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विकास की परिभाषा पुरी नहीं जानते, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। केंद्र और राज्य सरकार के विकास की सोच के मूलभूत अंतर है। उनका विकास का अपना अलग सोच था, इसीलिए जांजगीर जिले में 2.5 लाख एकड़ जमीन उद्योगपतियों को सौंप दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार ने छत्तीसगढ़ का खदान बेच दिया, यहाँ तक कि जल जंगल साथ ही जमीन तक बेचने की तैयारी थी। यहाँ के फ्लाईओवर और हाईवे इनके भ्रष्टाचार का आईना है। जो स्काई वॉक बना हुआ है, ये सभी इनके विकास का आईना है। आप ये गलत मत समझिएगा, पर मैं आपका बहुत लंबे अरसे से एडमायरर हूँ। जब मैं जिनीवा में एम्बेसडर था तो मैं आपसे पूछ रहा था, 2005 की बात है, अब मैंने आपका वहाँ स्वागत किया था और उस समय मुझे 15 साल पुरानी बात है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आज ऐसे मेरे को मौका मिलेगा। पर मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में विकास का काम आपके नेतृत्व में हुआ है, ये डेवलपमेंट्स जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब शुरुआत तब से उनकी नींव रखी गई थी। अब छत्तीसगढ़ में विकास की परिभाषा माननीय पुरी जी तय नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। और हमने तो कहा है, दोनों के विकास की सोच में बिल्कुल मूलभूत अंतर है। उनका भी अपना विकास का एक कंसेप्ट था। जांजगीर जिले में 2.5 लाख एकड़ जमीन उद्योगपतियों को सौंप दिया गया था, छत्तीसगढ़ का खदान बेच दिया गया था, यहाँ का पानी बेच दिया गया था, यहाँ के जंगल और जमीन को लगातार बेचने की कार्रवाई की जा रही थी, यहाँ का जो फ्लाईओवर और हाईवेज जो में जो भ्रष्टाचार है वो उनके विकास के आईना है, यहाँ का जो स्काई वॉक बना हुआ है ये उनका विकास का आईना है, और हमारा विकास यहाँ के हितग्राहियों का विकास है, यहाँ के किसानों का विकास है, यहाँ के गांव और गरीबों का विकास है। तो पुरी जी जो समझ पा रहे हैं, ये डॉक्टर रमन सिंह के भ्रष्टाचार वाले विकास को समझ पा रहे हैं, तो ये उनके चश्मे का दोष है। मंत्री रविंद्र चौबे यही नहीं रुके, उन्होंने मामला जारी रखते हुए आगे कहा कि उनका कार्यक्रम पार्टीगत कार्यक्रम था, यदि वे राज्य के किसी कार्यक्रम में शामिल होते या राज्य को कोई सौगात देने पहुंचे होते तो निश्चित ही उनका स्वागत राज्य के मंत्रियों द्वारा किया जाता। मंत्री चौबे ने कहा कि तल्खी तो केंद्र सरकार प्रदेश के साथ कर रही है, हम अपने दायरे में रहकर केंद्र में लगातार आग्रह कर रहे हैं, जिस पर केंद्र के प्रतिनिधि कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की जा रही है, जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कल उनका कार्यक्रम उनकी पार्टी का कार्यक्रम था, अगर वो इस तरीके से आते कि राज्य कुछ देने के लिए आ रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका सम्मान में उनके साथ हमारे राज्य के कोई ना कोई मंत्री जाते। और जहाँ तक तल्खी का सवाल है, हम अपने दायरे में रहकर हम केंद्र से सब कुछ आग्रह कर रहे हैं, केंद्र रिटर्न में कमिटमेंट करता है, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ की उपेक्षा क्यों करते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चावल के मामले में केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सहमति दी है और बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही है, इसका जवाब तो मैं समझता हूँ केंद्रीय मंत्रियों को ही देना पड़ेगा ना। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़।